हेलो दोस्तों, आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है अंडा चाउमीन की रेसिपी। जी हाँ, अंडा चाउमीन की रेसिपी बहुत ही वायरल रेसिपी और बहुत ही जेन्युइन रेसिपी है जो आप सब बिल्कुल आसानी तरीके से अपने घर में बना सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो चाव वाला चाउमीन आता है वो मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा, वही वाला चाउमीन मैंने लिया है पूरा एक पैकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और चाउमीन जब भी उबालने के लिए आप डालें तो उसका थोड़ा सा आप इसे ऐसे तोड़ के डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लच्छे नहीं आते हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आपको लच्छे वाले चाउमीन पसंद हो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बस 7 से 8 मिनट आपको उबालना है, उससे ज़्यादा। सो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कितने अच्छे तरीके से चाउमीन मेरा कुक हो चुका है। तो आइए वॉश करते हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से ये बिल्कुल उबल चुका है। तो अब आइए हम इसे वॉश कर लेते हैं। चाउमीन में जो इसका पानी रहता है वो ज़रूर आप 2-3 पानी से धोएं, क्योंकि इससे होता क्या है कि अच्छे तरीके से बिल्कुल इसका जो एक दूसरे में चिपकता नहीं है, और साफ़ पानी से इसे ज़रूर धोएगी। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई हीट होने के लिए चढ़ा दिया है, जब तक हम सारे अंडे को फोड़ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अंडे को एक बॉल में फोड़ने के लिए ले ली हूँ। अब फटाफट हम सारे अंडे को फोड़ देंगे। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं सारे अंडे को फटाफट यहाँ पे फोड़ ले रही हूँ। ऐसे होगा क्या कि जब हम अंडा को फ्राई करेंगे तब थोड़ा सा ईजी हो जाएगा हमारा, पहले से अंडा फोड़ा हुआ रहेगा तो। सो गाइज़, यहाँ पे आपको मैंने पहले ही दिखाया था कि कढ़ाई मैंने प्री हीट करने के लिए चढ़ा दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं तेल डालूँगी। सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको मैं बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ बताऊँगी। सबसे पहले इसमें हम प्याज डालेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बिल्कुल जैसे स्ट्रीट में बनता है उस टाइप का ये रेसिपी मैं आपको दी हूँ कि ताकि आप अपने घर पर बना सकें बहुत ही ईजी वे में। यहाँ पर प्याज को आपको चारों ओर ऐसे तेल लगा के इसे फ्राई करना है, क्योंकि तेल अगर हम पहले लगा देंगे तो जब हम चाउमीन डालेंगे तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी चिपकने वगैरह, ये सब किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे प्याज हमारा जैसे ही भुजा जाए, उसके बाद जो हमने अंडा फोड़ा था वो अंडे इसमें डाल देंगे, वो प्याज के साथ बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इसे फ्राई होने में बस 15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से अंडा मेरा फ्राई हो रहा है। और हाँ गाइस, वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मिर्च को अभी डाला है, मतलब अंडा फ्राई करने के बाद डाला है। ऐसे होता क्या कि अगर हम प्याज में मिर्च को डाल देते तो मिर्च जल जाती, इसलिए इसे इस टाइम पे ही डाले, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और डालने का सही तरीका भी यही है। सो यहाँ पे आपने जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छे तरीके से अंडा बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले बहुत ही सिंपल मसाले हैं, हल्दी और मिर्चा पाउडर और नमक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और 1-1 टेबल स्पून मैंने हल्दी और मिर्चा पाउडर लिया है। उसके बाद अच्छे तरीके से हम इसे फ्राई कर देंगे, और उसके बाद इसमें हम चाव को डाल देंगे, मतलब चाउमीन को हम डाल देंगे, और बस 10 मिनट तक और फ्राई करेंगे, मतलब पूरा हीट हो जाए। उसके बाद रेडी है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से चाउमीन को थोड़ा थोड़ा करके ही डाले, एक बार में ना डाले। इससे होगा क्या कि हमारा चाउमीन चिपकने का डर रहेगा, सो आप इस बात का खास ध्यान रखें। सो गाइज़, यहाँ पे हमारी जितने भी चाउमीन हैं हम धीरे धीरे करके सभी कोई बिल्कुल फैला फैला के इसमें डालते जा रहे हैं, और अच्छे तरीके से मैंने पूरा चाउमीन यहाँ पे डाल दिया है। अब इसको बस 5 मिनट तक आपको पूरा फ्राई करना है, जब तक पूरा चाउमीन हीट ना हो जाए। उसके बाद आपका गर्मा गर्म अंडा चाउमीन तैयार है। किसको इसको खाना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।